हाय गुड मॉर्निंग टू ऑल, बड़ों को मेरे नमस्ते, छोटों को ढेर सारा प्यार आशीर्वाद। आप लोग का स्वागत है यूट्यूब चैनल पहाड़ी प्रिया जिम्मेवाल ब्लॉग में। आप लोग कैसे, उम्मीद करते सब बढ़िया होंगे। तो गाइस मैं भी ठीक हूँ और ब्लॉग की स्टार्टिंग आज हो रही है 9 बजे से सुबह के, और बहुत बारिश। तो आज ना मतलब अलर्ट बता रखा है बारिश का, तो मैं सोच रही थी आज थोड़ा मार्केट जाऊँगी। मैं इनके लिए थोड़ा आना था, कुछ शॉपिंग वॉपिंग करके आनी थी। कहाँ से ऐसा हो गया मौसम, ये अब ये देखो कब तक रुकती है कुछ पता नहीं है इसके आगे इसकी ना। तो बारिश तो बता रखी है और सब जगह हो रही है, पूरे दिल्ली देहरादून मतलब सब जगह, पूरे उत्तराखंड मतलब यहीं नहीं हो रही बारिश, सब जगह हो रही है, पहाड़ आड़ सब जगह तो बता ही रखी है बारिश। कल वैसे ठीक है, कल थोड़ा धूप बता रखी है, रुक जाती तो अच्छा था, और बच्चे भी तैयार होके अंदर ही है। तो आज कहे छोड़ के आएंगे पापा, तो गाड़ी का आज बस में ही अपने आप जाते हैं। तो आई नहीं आई बस पता नहीं, तो मैंने बाला रखने आई थी मैं कहाँ से, तो धुआं हो गया आगे नहीं चल रही है, और बारिश पता नहीं कब से आ रही है, रात से आ रही है पता नहीं कब से आ रही है, तो मतलब ठंडा हो रहा मौसम। बारिश पानी पानी, बारिश। तो आज अब मिस्त्री भी नहीं आएंगे, चाय पी रहे हैं मटली के साथ, तो बोरी मटली के साथ जो मटली बनाई है ना। बाय बाय कर लो, बच्चे चले गए, वाला कहाँ गया, उसको भी बुला फिर आ। ख़त्म, अब ख़त्म। तो मैंने इनको रोटी दी, ऐसे आए ना बेचारे तीनों जने, एक मर गया बेचारा, वहाँ बैठ जा, खा दिया ना रोटी, ये टेड़ुआ भी आ रहा है। तो एक गली के हैं कुत्ते शेर, अब बैठो, अब जाओ उधर, ख़त्म, अब कुछ नहीं है, ख़त्म 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 ख़त्म। तो गाइस मैं हम जाने लग गए खटीमा, तो थोड़ा भी बारिश रुकी है ना, तो यहाँ तो थोड़ा रुक रखी है, वहाँ पता नहीं क्या पता है रुकी नहीं रुकी है कुछ पता नहीं, तो रुकी होती तो भगवान ठीक ही होता। तो थोड़े उसके लिए कपड़े वपड़े लेके आऊँ अपने बेटे के लिए, तो ठीक है रेडी वेडी हो गए हैं और चलते हैं, फिर रास्ते में मिलेंगे। धूप आ गई और क्या बोलते हैं बाजार में है, तो धूप आ गई अच्छी क्लास, धूप आ गई अब कोई डर नहीं है। पे ले लिए किन्नू बुबू से 100 के 4 किलो, आएगी इसमें पॉलीथीन में आ जाएगी,
तो देखो पानी इतना भरा था यहाँ पे, कीचड़ कीचड़। अब तो खुलने लग गया फिलहाल। अभी आए हैं यहाँ केक का ऑर्डर देने, केक देखते हैं। तो सामान ले लिया है, बलून और बलून ले लिए हैं और केक भी दे दिया ऑर्डर। तो ये भैया अच्छा बनाते हैं केक, तो हम यहीं आते हैं केक का ऑर्डर देने और कहीं जाते हैं। बच्चों की भी छुट्टी होने वाली होगी तो 2 बजने वाले हैं, पापा आ रखे हैं लेने, तो हम ही जाते तो गाड़ी भी चलेंगे क्योंकि सामान भी बहुत ज़्यादा है। तो अब हम जाते हैं, घर में मिलेंगे इससे के। तो खटीमा से पहुँच के, घर पहुँच के बना रही हूँ मैं रोटी, क्योंकि आज सुबह रोटी खाई थी ना, मूली के परौठे बनाए थे तो वही खाया था। उसके बाद से फिर मम्मी काम वाम करने लग गए होंगे, मम्मी ने खाना बनाया नहीं, ऐसे हाल है मम्मी के, तो ये काम में ही रहते हैं तो खाना भूल जाती है मम्मी। तो अभी मम्मी से मेरे से कह रही परसों काटे मम्मी, मैं रोटी डाल ली मम्मी के लिए, बच्चे भी खाएंगे तो पूरे बच्चे भी खाएंगे। मैं तो कह रहा नहीं खा रहा, मैं स्कूल से खा के आ रहे होंगे तो पेट भरा होगा तो खाएगा नहीं, वैसे भी खाएगी तो रोटी मैं भी खा लूँगी। तो बनाती हूँ और अंडे की भुजिया बनाती हूँ फटाफट, यही बनाती हूँ, क्या बनाऊँ। तो क्या बोलते हैं, फिर मम्मी को बुलाती हूँ। और बाहर ना मौसम ऐसा हो गया जैसे कि और बारिश आती है, तब अगर और बारिश आती करके ऐसा मौसम हो गया ख़राब, तो मम्मी तभी बाहर का ही काम करने में होंगे फटाफट, तो खाने का धन ही नहीं होगा। तो अब मैं बनाती हूँ, तो फिर मैं बनाती हूँ काम करते फटाफट। हाँ पता नहीं कहाँ है अम्मा ने, कहाँ रखी बाबा। आज चलते चलते पैरों में भी दर्द हो गई और हालत ख़राब हो गई आज। एक तो कपड़े थे ना बहुत दिनों के बाद, मतलब बहुत दिन से थे, चद्दर अदर भी धोने थे, तो फिर मैं मायके चले गई थी उसकी वजह से नहीं धो पाई। फिर बाद में पहले धूप नहीं थी उसकी वजह से नहीं धो पाई, फिर मायके चले गई उसकी वजह से नहीं धो पाई, फिर क्या बोलते हैं, तो मैंने बोला आज शाम को मतलब सब कपड़े धो दिए जितने भी होते हैं, कल धूप बता रखी है, देखो धूप आ जाती तो अच्छा था। तो मेरे आधे बहुत मतलब धुल गए सब कपड़े, खाली 3 ही चद्दर बचे हैं और लाइट भी चली गई, मतलब अभी तो हाँ 9 बजे तक धुल जाएंगे। अभी अगर लाइट आ गई तो आ जाती तो ठीक था, रात को ही सब कपड़े धुल जाते, कल सुबह धुल भी जाते धूप आ जाती तो। तो ना पैरों में दर्द हो गई, चल चल के मेरी लड़की मेरी नज़र उतार रही है। पूजा 32 साल की आई ना हमारे साथ। नहीं बजाते पागल है क्या, तो क्या बोलते हैं, बत्ती जला के आई और टीका भी लगा दिया यहाँ नीचे मुझे, डेली लगाती है मुझे टीका, आज भी लगा दिया। तो गाइस कल मेरे बर्थडे में आ जाना, कल मेरा बर्थडे है, कल कैंडी ले जाऊंगा। तो क्या बोलते हैं, लाइट होगी तो कपड़े धुल जाएंगे। हाँ और दीदी लोग भी आ रहे हैं दिल्ली से, तो अभी रामपुर पहुँचे हैं, सितारगंज, सितारगंज नहीं रामपुर, तो फिर रामपुर पहुँचे हैं। और देखो कितने रामपुर ने सितारगंज पहुँचे, फिर पहुँचेंगे सितारगंज, फिर पहुँचेंगे नैनीताल, दूध पी तो चाय बनाती हूँ, थकाई बहुत हो गई है, तो मुझे थकाई बहुत हो गई है, चाय आई बनाती हूँ, बाप रे दिल्ली इतनी दूर है, तो दिल्ली जाएंगे ना, तो फिर कल फिर बड्डे हो गया, सोच रही बारिश नहीं रुकेगी तो इसके लिए कैसे आएंगे कपड़े पड़े ना, थोड़ा बारिश मतलब रिमझिम रिमझिम पहले हो ही रही थी वहाँ पे खटवा, फिर धूप आ गई थी कल, ज़्यादा बाप रे, कल तो धूप होती तो अच्छा होता, तो देखो कैसा होता है। तो ठीक है चाय बनाती हूँ, थकाई भी बहुत हो गई, तो और ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप मेरी वीडियो पसंद आई, तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना, जो ब्लॉग मैंने तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक का बटन दबाना ना भूलना, और मैं जल्दी मिलूंगी न्यू ब्लॉग के साथ, लाइक और बाय, जय श्री राम।